नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। कोरोना जैसे महामारी काल में पड़ने वाले मुस्लिम भाई को प्रमुख त्यौहार मुहर्रम को शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप मनाया जाए, इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी समेत आला पुलिस के जवान हर जगह मुस्तैद हैं। वहीं सैदपुर क्षेत्र अधिकारी महापाल पाठक कोतवाली रमेंद्र भूतन मौर्या ने सैदपुर के क्षेत्र के सभी मौलवी की एक बैठक बुलाई और कहा मुहर्रम के कोई जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही ताजिया चौक पर बैठाया जाएगा और सभी लोगों से अपील की कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने घरों में ही मनाएं। शासन का साथ दे, प्रशासन आप लोगों को सहयोग करे रहेगी, आप लोग उनकी मदद करें। और उनके साथ उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि टाउन नेशनल स्कूल पर कोरोना जांच हो रहा है, आप लोग अधिक से अधिक लोग पहुंचकर कोरोना का जांच करवा ले। गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की स्पेशल रिपोर्ट। भारतवर्ष के हिंदुओं का सबसे बड़ा पितरों का स्थान कहाँ है? बोध गया, जो कि वहाँ ये पितरपक्ष में लाखों कम से कम 10-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए। वहाँ का भी मेला रोक दिया गया है, वहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई पितरपक्ष के लिए पिंड दान करने नहीं जाएगा। इस महामारी को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। आज हिंदुस्तान में करीब हम वही देख रहे थे 54,000 से ऊपर की कैजुअलिटी हो चुकी है।